तो आपने कैलकुलेट किया t इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसे दोबारा से इस प्रकार लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी। दूसरा केस, यदि कण बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करे, तो बिंदु ओ से गति प्रारंभ करता है और वह ए की ओर जाता है, तो v इज इक्वल टू रूट म्यू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ दूरी बढ़ रही है तो इसलिए अपने प्लस साइन ले रहे हैं। फिर से इंटेग्रेट किया तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। ओ बिंदु पर x का मान क्या है, जीरो। यहाँ से गति प्रारंभ करता है तो t इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अपने पास आ गया जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू साइन इनवर्स जीरो। साइन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो इसलिए सी थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी। तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि यदि कण ए से ओ की ओर आता है तो उसकी समीकरण होगी x इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी, और जब कण ओ से ए की ओर जाता है तो x इज इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी। अब ए पर जब चलना शुरू हुआ तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए, वेग जीरो, t इज इक्वल टू जीरो, समीकरण एक से x डबल डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस म्यू ए, यानी कि बिंदु ए पर वेग शून्य है लेकिन उसका जो त्वरण है वो परिमाण में इन मैग्नीट्यूड वो मैक्सिमम है रूट म्यू ए, इसलिए वह ए से ओ की ओर गतिमान है। बिंदु ओ पर जब हम पहुंचेंगे तो वापस यहां पर जाकर एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो v का मान आ जाएगा म्यू ए स्क्वेयर, तो v इज इक्वल टू रूट म्यू ए एक्स डबल डॉट त्वरण जीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर बिंदु O पर वेग अधिकतम हो गया तो वह A पर रुकेगा नहीं, A की O की बाई और गतिमान होगा। बिंदु A डैश पर पहुंचेगा जब x इज इक्वल टू माइनस ए होगा तो फिर उसका जाकर वेग शून्य हो जाएगा लेकिन जो त्वरण है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस प्रकार वह A डैश से O की ओर गतिमान होगा और O पर पहुंचकर फिर से उसका जो त्वरण है वो शून्य होगा लेकिन वेग मैक्सिमम हो जाएगा, तो वह O से राइट साइड में A की ओर गतिमान रहेगा। तो इस प्रकार वह A से O, O से A डैश, A डैश से O और O से A के बीच में गतिमान रहता है। तो इस प्रकार की ये जो गति है ये हमारी सरल आवर्त गति रहती है। तो A से O, O से A डैश, A डैश से O और O से A तक ये जो टोटल बना इसे हम कहते हैं एक ऑसिलेशन या एक दोलन। एक दोलन में जो टोटल समय लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो मान लीजिए